हमने देखा कि एक डिफरेंस था, गैस एच से एल की तरफ जा रही है, वाटर में क्या है, ये हाई कंसेंट्रेशन है सॉल्ट का, यहां लो कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो वाटर क्या है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, जबकि गैस हाई से लो की तरफ जा रही है। तो ये एच टू एल है, ये एल टू एच है, तो देखो डायरेक्शन अलग अलग है, बट फिर भी हम प्रोसेस को एक ही जैसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या था कि वाटर में जो इस टाइप की प्रोसेस होती है परमिएबल मेम्ब्रेन से, वो भी कंसेंट्रेशन क्या करने की कोशिश कर रही है, कंसेंट्रेशन इक्वल करने की कोशिश कर रही है। देखो यहां हाई कंसेंट्रेशन है, यहां लो, कब इक्वल होगी, जब वाटर इधर से इधर चला जाएगा। अब आप कहोगे हाई से लो की तरफ क्यों नहीं जा रहा, रीजन ये है कि इस मेम्ब्रेन में से सॉल्ट नहीं पार हो सकता, इसमें वाटर सॉल्ट की तरफ चलता है, जिससे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सॉल्ट इस परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, ठीक है, सॉल्ट इस परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, क्या पार कर सकता है, केवल वाटर, तो सॉल्ट पार नहीं कर सकता। तो कैसे कंसेंट्रेशन बराबर होगी, जब वाटर लो टू हाई जाएगा, ठीक है, जब वाटर लो टू हाई जाएगा, तो इस तरीके से इसमें कंसेंट्रेशन इक्वल करते हैं। तो लेकिन जबकि वाटर में देख फ्यूजन कैसे था, जब वाटर था और उसमें इंक डाल दी थी, तो इंक कैसे हो रही थी, इंक वाटर में डिफ्यूज होके सारी एक जैसे, क्योंकि यहां देखो यहां कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन सेल में क्या है, सेल में देखो ये मेम्ब्रेन है, सेल के आगे एक मेम्ब्रेन है, तो वाटर तो अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है, लेकिन सॉल्ट अंदर जा बाहर आ नहीं सकता। तो कैसे कंसेंट्रेशन इक्वल करेंगे, कंसेंट्रेशन इक्वल करेंगे वाटर को मूव करके इस सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन वाटर वाली प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑस्मोसिस। ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, कि एक मेम्ब्रेन होती है और हाई कंसेंट्रेशन की तरफ चलती है चीजें, हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, जबकि नॉर्मल डिफ्यूजन में हाई टू लो चलती है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है ऑस्मोसिस में। बाकी प्रोसेस यही है कि कंसेंट्रेशन दोनों जगह क्या करनी है, सेम कंसेंट्रेशन सेम ही करनी है, दोनों का प्रोसेस सेम है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो वाटर का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये किससे अफेक्ट होता है, सब्सटेंस जो डिजॉल्व है वाटर में, तो ये किससे इफेक्ट हो रहा है, सब्सटेंस जो डिजॉल्व है, जैसे हमने सॉल्ट कहा, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो देखो बड़ा लंबा सेंटेंस है, देखो आराम से पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस इज द पैसेज, तो पहले बना लेते हैं, ठीक है। इधर नॉर्मल वाटर था, इधर मेम्ब्रेन है, इधर सॉल्टी वाटर है, तो सब्सटेंस डिजॉल्व सॉल्ट ले सकते हैं, सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और भी सब्सटेंस ले सकते हैं, लेकिन सॉल्ट लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सॉल्ट होता है नेचुरली, और हम खाते भी हैं सॉल्ट को, ठीक है। सॉल्ट ले लिया। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर, तो यहां क्या था, वाटर था, ठीक है, यहां क्या है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। Thus the osmosis is passage of water from a region of high water concentration. तो water की concentration कहाँ high है? Water की concentration वहाँ high है जहाँ water normal है, क्योंकि ये तो salty water है। तो water की concentration कहाँ high है? जहाँ water normal है। तो मान लो ये दोनों equal है। तो इसमें water की concentration कहाँ high है? तो water की concentration यहाँ high है, ठीक है? Water की concentration high यहाँ है। यहाँ तो सॉल्टी वाटर है भाई, ये तो सॉल्टी वाटर है, तो कुछ और चीज हो गई। तो वाटर की कंसेंट्रेशन कहाँ हाई है, इसमें नॉर्मल वाटर में। तो वैसे हमने देखा तो गैस के केस में क्या था, हाई टू लो, ठीक है। वाटर में जब इंक डाली तो क्या था, फिर हाई टू लो, बट इन दोनों केसेस में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। अब जब मेम्ब्रेन आ गई तो यहां कंसेंट्रेशन हाई थी, यहां कंसेंट्रेशन लो है, किस चीज की, सॉल्ट की। फिर से देखो, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हाई है, वाटर की नहीं। वाटर की कंसेंट्रेशन कहां हाई है, जिसमें सॉल्ट लो है। भाई वाटर की कंसेंट्रेशन तो तभी हाई होगी जब सॉल्ट लो होगा, क्योंकि ये तो सॉल्टी वाटर है। तो वाटर की कंसेंट्रेशन कहां हाई है, यहां।
और यहां किस चीज की कंसेंट्रेशन हाई है, सॉल्ट की, तो यहां वाटर की कंसेंट्रेशन हो गई लो। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर से एक बनाते हैं। बॉक्स बनाया, बॉक्स में दोनों साइड वाटर है और दोनों साइड कैसा वाटर है, सॉल्टी है। ठीक है, दोनों साइड सॉल्टी वाटर है। ठीक है, और इसको ढक्कन खोल देते हैं। ठीक है, दोनों साइड हमारा कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर है, और ये हमारी मेम्ब्रेन है। ठीक है, एम मेम्ब्रेन। अब क्या है, यहां पे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा कम है, 1.5 ग्राम है पर 100 ml, कंसेंट्रेशन ऐसी लिखते थे ना ग्राम पर ml में, यहां पे क्या है थोड़ा सा कंसेंट्रेशन ज्यादा है, 2.0 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो देखो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन तो इसमें हाई है, तो अगर हम सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लिखें, सॉल्ट का S का, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन यहां क्या है लो, यहां क्या है हाई, बट वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होगा उल्टा, भाई यहां सॉल्ट जो है लो है तो वाटर क्या होगा हाई, क्योंकि वाटर देखो ज्यादा है, सेम सॉल्ट के लिए वाटर क्या है ज्यादा, यहां वाटर देखो सेम सॉल्ट में वाटर क्या है कम, तो वाटर कहां से कहां चलेगा, वाटर देखो हाई से लो की तरफ ही चल रहा है, वाटर हाई से लो की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, वाटर, लेकिन कंसेंट्रेशन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कंसेंट्रेशन किस चीज की बता रहे हो, सॉल्ट की या वाटर की। अगर आप सॉल्ट की कहोगे तो लो टू हाई जा रहा है, अगर आप वाटर की कंसेंट्रेशन करोगे तो हाई टू लो ही जा रहा है, जैसे कि डिफ्यूजन में आता है। बट ये प्रोसेस ऑस्मोसिस क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पे एक मेम्ब्रेन है, अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये नॉर्मल डिफ्यूजन हो जाता, लेकिन इस मेम्ब्रेन की वजह से डिफ्यूजन नहीं रह गया, ये ऑस्मोसिस बन चुका है, क्योंकि अब इसमें मेम्ब्रेन की वजह से क्या आ गया है, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या थी, सिलेक्टिविटी ये है इसमें कि ये वाटर को ही पार जाने देती है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन वाटर को पार जाने देती है, सॉल्ट को नहीं पार जाने देती। तो धीरे धीरे अभी हमने देखा था इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन 90-80 होने लगेगी, यहां क्या होने लगी 110-120, तो वाटर इधर बढ़ रहा है इधर कम हो रहा है, तो इधर कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगी इधर कंसेंट्रेशन कम होने लगी, जब तक दोनों साइड की कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। फिर बता रहा हूं गैस या वाटर दोनों के केस में क्या है, हाई टू लो ही जाएगा अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे ही मेम्ब्रेन होगी तो डिपेंड करता है कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन टू लो ही जाएगा मेम्ब्रेन के केस में वाटर, लेकिन अगर हम सब्सटेंस डिसॉल्व या सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट वाले में वाटर कहां जाएगा लो टू हाई, तो अगर सॉल्ट का केस लेंगे तो हम उल्टा हो जाएगा, सॉल्ट किस साइड हाई था राइट साइड, वाटर कहां से जा रहा था लो साइड से, राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा था, क्योंकि इधर सॉल्ट हाई था इधर सॉल्ट लो था, सॉल्ट लो यानी वाटर हाई तो वाटर हाई है तो हाई से लो। ठीक है, वाटर और सॉल्ट का केस रिवर्स है, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, वाटर और सॉल्ट का केस अपोजिट है लेकिन प्रोसेस क्या हो रही है, प्रोसेस सेम हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सी जो लाइन थी, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन। देखो इसने क्या वाटर कंसेंट्रेशन की बात करी, तो वाटर कंसेंट्रेशन कहां पे हाई था, जहां सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लो थी, तो ये हमारा डायग्राम था, तो यहां सॉल्ट की कंसेंट्रेशन लो थी यानी वाटर की कंसेंट्रेशन हाई थी, ये वाटर की ये सॉल्ट की। ठीक है, और सॉल्ट की कहां हाई थी, इधर, वाटर की किधर लो थी, इधर। तो दोनों केस में क्या होता है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन हो गई हमारी सिलेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये वाटर को जाने देती है, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन, तो ये अगेन किसके बारे में बात कर रहा है, वाटर कंसेंट्रेशन लो, तो वाटर की कंसेंट्रेशन देखो लो कहां है, यहां, तो वाटर कहां जा रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो, और सॉल्ट का केस देखो तो लो टू हाई, तो बस यही डिफरेंस है कि सॉल्ट और वाटर की कंसेंट्रेशन उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों साइड क्या हो, बराबर हो जाए, तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन या डिसॉल्व की कंसेंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, ठीक है, इन वाटर, तो जब तक दोनों साइड पे बराबर नहीं हो जाती तब तक जो है ये प्रोसेस चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन अब हम पढ़ लेते हैं, क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को
सॉल्यूशन हो जो शुगर या वाटर का रख दें तो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।